नाउ द अनदर टॉपिक इज एनर्जी ऑफ ए लिक्विड. ठीक है बेटा, एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, अगर किसी भी पाइप में पानी चल रहा है, किसी भी ट्यूब में पानी चल रहा है, द एनर्जी ऑफ ए लिक्विड पजेसिस व्हेन ए लिक्विड फ्लोज इन ए पाइप, इट पजेसिस थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज. फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड वन इज प्रेशर एनर्जी. देखो बेटा, द एनर्जी पजेस्ड बाय ए लिक्विड इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बताता हूं. द एनर्जी पजेस्ड बाय ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. मगर बेटा जो मुझे जरूरत है आगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम में मुझे जरूरत है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास. काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास का मतलब हो गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम. एम और एम कैंसल, ये आ गया हाफ ऑफ वी स्क्वायर. जरा आप लोग मुझे बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट का मास का मतलब है हाफ ऑफ वी स्क्वायर. ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब हो गया हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब हो गया हाफ ऑफ वी स्क्वायर. ये याद रखना. सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी पजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास. पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास का मतलब हो गया एम जी एच अपॉन एम. M एंड M कैंसल, क्या आ गया GH. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है MGH, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब है GH. याद रखना. अब है थर्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं एनर्जी पजेस्ड. द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर. The energy possessed by a body by virtue of its pressure is called pressure energy. The energy possessed by a body by virtue of its pressure is called pressure energy. इसको बोलते हैं pressure energy, जो pressure की वजह से. और अब pressure energy per unit mass हमें निकालना है, तो वो समझना है आप लोगों को. एक मैंने एक कंटेनर लिया इस तरीके से. इस कंटेनर में बेटा यहां पर एक ओपनिंग रखी गई है ऐसे. इस ओपनिंग में एक पिस्टन रखा गया है. ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है. ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन है. तो इसमें लिक्विड भरा गया है. इधर सुनिए, इस लिक्विड से इस पिस्टन पर प्रेशर आएगा और यह पिस्टन यहां पर चला जाएगा. मान लीजिए इसने डिस्टेंस डी एक्स कर दी. यहां से लिक्विड ने प्रेशर डाला, प्रेशर की वजह से इस पर फोर्स आया, प्रेशर की वजह से इस पर फोर्स आया
और ये पिस्टन बाहर चला गया। कितना फोर्स आएगा इस पिस्टन पर प्रेशर की वजह से? फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन, दिस पिस्टन इज मूवेबल पिस्टन, इसको प्रेशर आया, प्रेशर की वजह से फोर्स बाहर की तरफ आया, पिस्टन यहां से यहां चला गया। फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द पिस्टन। एरिया ऑफ द पिस्टन इज कैपिटल ए। व्हाट इज ए? इट इज फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। इस फोर्स की वजह से पिस्टन बाहर चला गया क्योंकि लिक्विड का प्रेशर है। प्रेशर की वजह से फोर्स आ गया। फोर्स कितना? फोर्स आ गया प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। ठीक है यहां पर? तो मुझे बता दीजिए पिस्टन ने, इस फोर्स की वजह से पिस्टन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी? डी एक्स। देन वर्क डन इज गिवन बाय, वर्क डन इन मूविंग द पिस्टन थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स इज गिवन बाय फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स क्या है? पी ए। मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है? डी एक्स। ठीक है, दिस इज वर्क डन। इधर देख लीजिए, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ए इंटू डी एक्स, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू डी वी। ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने, कितना वॉल्यूम में चेंज आ गया? एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज वॉल्यूम, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। हो गया डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द लिक्विड एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी, एज इट इज प्रेशर एनर्जी। ये है प्रेशर एनर्जी। कितनी है प्रेशर एनर्जी बेटा? पी डी वी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं ये क्या बन गई, प्रेशर एनर्जी। अब आप लोग मुझे बता दीजिए ये तो प्रेशर एनर्जी आ गई, प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड इन वॉल्यूम दिस। अगर मैं प्रेशर एनर्जी को, याद रखना बेटा प्रेशर एनर्जी कितनी आ गई? पी डी वी। अब मुझे बनाना है, अगर मैं आप लोगों को यह बताता हूं मास ऑफ द लिक्विड हैविंग वॉल्यूम डी वी, मास ऑफ द लिक्विड हैविंग वॉल्यूम डी वी, अगर मास उस लिक्विड का जिसका वॉल्यूम कितना होगा dV, मास ऑफ द लिक्विड हैविंग वॉल्यूम dV होता है मास, हो गया वॉल्यूम या डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी? लेट रो बी द डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? dV। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, प्रेशर एनर्जी PdV, मास ऑफ द लिक्विड हैविंग वॉल्यूम dV इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम रो dV। इसका मतलब हो गया ये आ गया मास, ये आ गया प्रेशर एनर्जी। देयरफॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, मुझे चाहिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब हो गया PdV अपॉन रो dV। प्रेशर एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द लिक्विड हैविंग वॉल्यूम dV। dV और dV कैंसल, P अपॉन रो। व्हाट इज P अपॉन रो? P अपॉन रो इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। व्हाट इज प्रेशर एनर्जी? PdV। व्हाट इज द मास ऑफ द लिक्विड हैविंग वॉल्यूम? रो dV, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तीन चीजें मैंने आपको बताई अभी तक जो आपको नोट करनी है। काइनेटिक एनर्जी, इधर देख लीजिए, तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास होता है बराबर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम। काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, ये हो गया हाफ ऑफ वी स्क्वायर। फिर हमने किया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हो गया एम जी एच अपॉन एम, एम और एम कैंसल जी एच।
फिर आएगा प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास याद रखना बेटा पी अपॉन रो होता है, क्या होता है पी अपॉन रो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये आप लोग देख लीजिए। इन्हीं का यूज करूंगा मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी और एनर्जी ऑफ ए लिक्विड का भी बर्नौलीज़ थ्योरम में, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।